नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं विभाग बात। विभाग बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी के एन तिवारी साहब इस समय मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार तिवारी जी। ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश के मुखिया हैं और इस समय ईओडब्ल्यू जैसी जो संस्थाएँ उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सामने आते हैं और भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो तो पुलिस के पास लोगों को जाना पड़ता है, और जब करप्शन की बात हो तब जवाबदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जी हाँ, आपका कहना सही है। और सरकार ने इन मामलों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही काफ़ी समय पहले सन 1984 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग शुरू की थी, और शुरू में ये पुलिस हेडक्वार्टर की CID के अंडर काम किया करती थी। बाद में 88 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को PHQ से अलग कर दिया गया और ये होम डिपार्टमेंट के सीधे कंट्रोल में चली गई। और बाद में 1990 के आसपास इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रखा गया और तब से ये सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करती है। एक चीज़, 84 में जब महाराष्ट्र पुलिस ने इस तरह की विंग शुरू की, फिर मध्य प्रदेश ने 84 में शुरू किया, अभी स्वतंत्र रूप से जब काम कर रहा है, उस दौर में और अब के दौर में करप्शन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, आपके पास तो रोज़ शिकायतें आती हैं। जी हाँ, काफ़ी शिकायतें आती हैं, लेकिन कई शिकायतों का कैरेक्टर इस प्रकार होता है कि जिनमें डिपार्टमेंटल रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन हुआ हो, वो शिकायतें भी हमारे पास आती हैं। तो ऐसी शिकायतों में हम सीधे कोई कार्रवाई नहीं करते, ये हम उन विभागों को रेफ़र कर देते हैं और वहाँ उनका परीक्षण किया और कराया जाता है कि डिपार्टमेंटल रूल्स और रेगुलेशन के वायलेशन के दौरान क्या सिर्फ डिपार्टमेंटल इरेगुलरिटी हुई है या आपराधिक घटना भी घटी है। तो यदि आपराधिक घटना का घटना पाया जाता हो तो फिर वो विभाग आपराधिक कार्यवाही के लिए मैटर हमें वापस रेफ़र करता है और तब हम रेगुलर केस रजिस्टर करके फिर कार्यवाही शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ईओडब्ल्यू के बारे में, जो आम लोग हैं, इस ये दौर जो है बड़ा मुखर लोगों का दौर है, RTI एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशंस हैं, संस्थागत जो कार हैं, तमाम सारी शिकायतें आती होंगी, तो पहली नज़र में क्या करता है ईओडब्ल्यू? पहली नज़र में हम शिकायतों में जो जिस्ट लिखी गई है उसका परीक्षण करते हैं। प्रथम दृष्टया अगर अपराध घटित होना का संकेत मिलता है तो हम एक प्राथमिक जांच दर्ज करते हैं और आपराधिक घटना से जुड़े हुए जो सारे पहलू हैं उनके एक बुनियादी सबूत हम इकट्ठा करते हैं कि आपराधिक घटना वास्तव में घटित हुई है या नहीं। यदि ऐसे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम रेगुलर केस रजिस्टर करके फिर हम CRPC के प्रावधान के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पूरा करते हैं और सबूत चार्जशीट के रूप में संबंधित अदालत के सामने पेश करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ राजनीतिक शत्रुताएं हों या व्यक्तिगत शत्रुताएं हों तो उसकी भी शिकायतें आ जाती हैं इस कारण भी? नहीं, वो जो शिकायत आपके सामने आई है उसमें क्या जिस्ट नैरेट की गई है उसका फर्स्ट रीडिंग से ही मामला काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक्शनेबल इन्ग्रेडियंट हैं या नहीं। तो अगर एक्शनेबल इन्ग्रेडियंट हमें प्राइमा फेसिस दिखाई पड़ते हैं तो हम प्राइमा एक प्रेलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करते हैं और हम आपराधिक घटना से जुड़े हुए सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। कम से कम उतने सबूत तो हम इकट्ठा करते ही हैं जिनमें अपराध होना सबूत हो, उसके बाद आगे कार्यवाही शुरू करते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में सरकार बदली, उसके बाद एक बड़ा ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर मामला सामने आया, तो उसमें आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया? पार्टली मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये ई टेंडरिंग का घोटाला जो है ये अभी नोटिस में नहीं आया, ये पिछले साल मई के महीने में नोटिस में आ चुका था। और मैटर जब ईओडब्ल्यू के सामने आया तो यहाँ पे एक प्रेलिमिनरी इंक्वायरी जून 1918 में ही रजिस्टर्ड है और प्रेलिमिनरी इंक्वायरी हम पूरी कर रहे हैं और उसमें एक्शनेबल एविडेंस जैसे ही इकट्ठी होती है तो फिर उसमें आगे हम FIR दर्ज करेंगे। एक चीज़ और पूछा था, कई बार प्रेशर भी आते होंगे फिर? प्रेशर, हम प्रेशर को अनुनय विनय भी कह सकते हैं। प्रेशर अनुनय विनय लोगों को, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर व्यक्ति को कहने सुनने की आज़ादी है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग उसकी बातें सुनने के लिए खुले, हमारा दफ्तर खुला है हर समय, हम उपलब्ध हैं। जो भी बात वो कहना चाहता है हम उसको पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं, और अगर उसमें कोई कार्यवाही करने लायक या मानने लायक बात होती है तो फिर हम उनकी बात सुनते हैं, उनसे प्रमाण सबूत और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं
और उनका परीक्षण करने के बाद जो वाजिब कार्यवाही होती है कानूनी तौर पर वो हम करते हैं। एक चीज़ और देखी तिवारी सर कि अन्ना हजारे का एक आंदोलन देश में होता है, उसके बाद लोग बहुत मुखर होते हैं, उसके बाद चाहे लोकायुक्त हों या UW हो, ऐसी संस्थाओं पर लोगों का यकीन तो बढ़ता ही है और तमाम सारे राज्यों में इस तरह की सुविधाएं अब भी नहीं हैं। कई राज्यों में लोकायुक्त या UW जैसे संगठन अभी नहीं हैं, लेकिन CRPC के वो पावर जो स्थानीय पुलिस है, जिले के पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों को उपलब्ध हैं। तो UW या लोकायुक्त जैसा एक सुगठित स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन भले ना हो, लेकिन CRPC के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए उन जिलों के SPs और थाना प्रभारी लीगली बाउंड हैं और वो कार्रवाई करना भी चाहिए उनको। नहीं, उसके बाद भी सर ये लगातार ये डिमांड है किस तरह के स्वतंत्र जांच एजेंसियां होना चाहिए जो अपना निष्पक्ष तरीके से काम करते रहें, इसीलिए बड़े बड़े आंदोलन भी हुए आपने देखा। अनेक राज्यों में लोकायुक्त और UW जैसे संगठन हैं, कार्य कर रहे हैं और पूरी विश्वसनीयता और अकाउंटेबिलिटी के साथ कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार में भी CBI है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बाद में NIA भी भारत सरकार ने शुरू की है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो उनको जो चार्टर और टास्क दिया गया है वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे बहुत मुखरता के साथ सरकारें रखती हैं कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस। सभी सरकारों का आज से नहीं, हमेशा से ही जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी सरकार है उनका हमेशा से ये एफर्ट रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा कि करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहे। लेकिन अमले की कमी की वजह से या कानूनी पेचीदगियों की वजह से कार्यवाही में देरी होना हो सकता है, लेकिन देर चाहे भले हो, लेकिन अंततः जिसने आपराधिक कृत्य किए हैं, करप्शन की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहा है, तो उनको न्यायालय में पेश करना सरकार की और ऐसी एजेंसीज़ की जवाबदारी है, और उन व्यक्तियों को ट्रायल फेस करना और अदालत के फैसले को मानना उनकी जवाबदारी है। मैं तिवारी साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि 1986 में आप जी हाँ पुलिस में आए, और 86 के बाद ट्रेनिंग का दौर, उसके बाद फील्ड में पोस्टिंग, फिर कई ज़िलों में, होशंगाबाद हो या राजगढ़ हो, वहाँ बतौर पुलिस अधीक्षक काम करना, फिर पुलिस मुख्यालय, अलग अलग काम देखना, इसमें ये तो समझ में आएगा कि हमारा जो ताना बाना है उसमें कहीं करप्शन के जो कीड़े हैं वो कुलबुलाते रहते हैं। देखिए साहब, एक लंबी गुलामी के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए और 1950 26 जनवरी में हमने अपना संविधान लागू किया। तो लंबी गुलामी के दौर में हम इतने त्रस्त हो चुके थे कि हमने जो फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हमने फंडामेंटल राइट के रूप में संविधान में एक्सेप्ट किया है। तो सरकारी तंत्र में जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं कई बार अपने इन फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं, परंतु उनके लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, उनके नाक पे नकेल कसने के लिए सरकार ने और दूसरे कानून बना रखे हैं, और EOW लोकायुक्त और मैदानी पुलिस अमले जैसी एजेंसीज भी बना रखी हैं जिनसे अपेक्षा है कि वो कानून का पूरी तरह पालन करें और कराएं, और ऐसे जो भ्रष्टाचारी तत्व हैं उनकी नाक में नकेल कस के उनको अदालत के सामने पेश करें। तिवारी साहब, नाक में नकेल कसने की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ देखी, पुलिस हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की आवश्यकता होती है, पुलिस अपना काम करती रहती है। हम डाकुओं से लड़े, उनका खात्मा किया, इक्की दुक्की गैंग ज़्यादा कदा बनती रहती हैं, आप रीवा से हैं, रीवा हो या बिंदे में खास करके, और ग्वालियर चंबल में वो समस्या थी उसको सॉल्व किया, कुछ इलाकों में नक्सली थे वहाँ भी पुलिस निपटती रही। ये करप्शन वाला मर्ज ऐसा है कि जिस पे पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, इसके लिए क्या कोई नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है या अपने आचरण में बदलाव की ज़रूरत है, इसके लिए कोई तैयारी सरकार की तरफ से, EOW की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से कभी की जाती है कि लोग करप्शन से बचें और करप्शन बुरा काम है, हम इसको साबित कर पाएँ, इसको दिखा पाएँ और लोग भी इसको स्वीकार करें? अरे, करप्शन के प्रति लड़ाई जो है एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसमें रखनी होगी। सरकार अपना काम करेंगी,
जो जांच एजेंसीज़ हैं वो अपना काम करेंगी, अदालतें अपना काम करेंगी, और जो भारत के नागरिक हैं ख़ास तौर पर जो सरकारी तंत्र में जुड़े हुए हैं या अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जो उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चार्टर जो सरकार ने तय किया है उसके अधीन काम करते हुए जनता के प्रति जवाबदार हों, ये अपेक्षा सब से की जाती है और आम नागरिकों को भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से ऐसी अपेक्षा होती है। यहाँ पर जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जो कंडक्ट रूल्स हैं अपनी आचरण संहिताओं का पूरा पालन करें और कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर काम करें, और जनता से भी यहाँ अपेक्षा की जाती है कि वो जहाँ कहीं इस भ्रष्टाचार की गतिविधियाँ होते देखें उसको वो समय पर संबंधित संस्थाओं को रिपोर्ट करें और जांच पड़ताल करने में समय पर सहयोग करें और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को एक्सपोज करें और न्यायालय में आकर गवाही देने में कोताही या संकोच ना करें। तो इस प्रकार जब चारों तरफ से इस प्रकार की जो मुहिम चलेगी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश अपने आप लगेगा। मनीक, बहुत बड़ी सामूहिक जवाबदारी बनती है। जी हाँ, इसमें सबकी सामूहिक जवाबदारी है और सभी जो इससे जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, सरकार है, जांच एजेंसीज हैं, अदालतें हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं और आम नागरिक हैं, इनको सबको अपना अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें खास करके आम लोग जो हैं पॉलिटिशियन से बहुत सीखते हैं, पुलिस के पास तो बाद में जाते हैं, पहले राजनेताओं के पास में जाते हैं, कहीं लगता नहीं कि ऊपर से हमारे यहाँ सिस्टम में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं जिसके कारण करप्शन पनपता रहता है? उसको भी ठीक करने की जो जवाबदारी है वो आम जनता की है, जहाँ कहीं पर वो गलत कार्यवाही होते देखें उसको तुरंत एक्सपोज करें, अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस राजनीतिज्ञ को जो है वो अपने वोट के जरिए सत्ता से दूर करें, अधिकारी कर्मचारी को अगर वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त पाते हैं तो उसको एक्सपोज करें, उसके खिलाफ रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ गवाही दें अदालत में और उसको सजा कराएं। तो इस जब तक आम नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और जवाबदार नहीं होगा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कोई एक व्यक्ति या एक एजेंसी नहीं लड़ सकती, सबको मिलजुल करके इसके बारे में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जब सब सारी संस्थाएं, सारे व्यक्ति, सारे नागरिक एकजुट होकर एक साथ कदम उठाएंगे तो ये सारी जो बुराइयां हैं ये धीरे धीरे समाज से अपने आप दूर हो जाएंगी। तिवारी जी को पुलिस का जो तजुर्बा है वो 32 साल का है, और 32 साल कोई दो चार दिन नहीं हुआ करते। हम तिवारी सर से बातचीत के इस दौर को जारी रखेंगे, फिर आ देते हैं छोटा सा ब्रेक। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईओडब्ल्यू के मुखिया के एन तिवारी साहब हमारे साथ में। तिवारी जी, आपके 32 वर्ष के अनुभव, हाल के कुछ वर्षों में लोग थोड़ा सा जागरूक हुए करप्शन को लेकर, पिछले 5-7-10 साल में कुछ असर आपको लग रहा है, कुछ उम्मीदें नजर? निश्चित रूप से जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, लोगों में समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति अपनी नैतिक जवाबदारी का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये चीज़ें सुधरेंगी और आगे भी इनमें सुधार परिलक्षित होगा। आपको चेंज देखने को मिल रहा है
अगर बिल्कुल हम से लेके हम जी हाँ जी हाँ हम लोग जब आए थे उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन देखते देखते शैक्षणिक योग्यताओं के स्तर में, जागरूकता के स्तर में और देश के प्रति जवाबदारी के स्तर में काफ़ी तब्दीली देखने में आई है और ये स्वागत योग्य है। और कई बार तो ये देखने में आता है कि शहरी लोगों की अपेक्षा जो ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं। हाँ, दोनों जगह जागरूकता का स्तर निश्चित रूप से बढ़ा है, पर चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में पहले ये कम था तो जो फर्क आया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा डिसर्नेबल है। शहरी क्षेत्रों में तो लोग पहले भी जागरूक होते थे, आज भी हैं, लेकिन एक जो कोर्ट कचहरी अदालत और पुलिस से एक जो बचने की एक जो टेंडेंसी है, इसको अभी इसमें अभी सुधार की काफ़ी ज़रूरत है और शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी दोनों जगह इसमें अभी काफ़ी सुधार का स्कोप है। तो जैसे जैसे ये टेंडेंसी आगे बढ़ेगी कि करप्ट आदमी को, करप्ट अधिकारी को एक्सपोज करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसको सजा कराई जानी है और इसमें जो जांच एजेंसीज हैं कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस में बराबर सहयोग दे करके आगे बढ़ करके इसके खिलाफ गवाही सबूत दे करके अमुक आदमी को सजा कराया जाना है। एक चीज़ आती है सर कि लोग अभी भी पुलिस को लेकर बहुत फेमिलियर नहीं हो पाते, कहीं पुलिस का खौफ काम करता है, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तारीख पे तारीखें मिलती रहती हैं, इन सबसे भी लोग बचना चाहते हैं। नहीं, बचने की जो प्रवृत्ति है वो पुरानी प्रवृत्ति रही है, लेकिन अगर हमें इन सब बुराइयों से अगर लड़ना है तो इनसे बचने की नहीं बल्कि इनके साथ आने की चेष्टा करनी होगी और कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस के सामने आकर के अपना जो जो जानकारी है, सबूत है, गवाही है, उसको सामने रखना होगा और भ्रष्टाचार से जुड़े या किसी भी आपराधिक घटना से जुड़े हुए व्यक्ति को सजा कराना हर नागरिक की जवाबदाही कानून ने तय कर रखी है, उसको ये जवाबदाही आगे बढ़ करके पूरी करनी होगी। एक चीज़ पहले थी कि जो आर्थिक अपराध होते थे वो सहज भाव से लोग कर देते थे और ये मानते ही नहीं थे कि ये कोई अपराध है। इस बारे में भी जागरूकता का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बेहतर होगा और लोग डरेंगे इससे और जैसे जैसे डिटेक्शन होगा, जैसे जैसे कन्विक्शन होगा, सजाएं होंगी अदालतों से, तो इनका खौफ होगा और लोग इनसे कतराएंगे। अभी जिस तरह की वर्किंग है ईओडब्ल्यू की, तो जो नेता हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं, उनमें तो पर्याप्त खौफ है। देखिए साहब, हम कोई मार्शल लॉ लगाने वाली संस्था नहीं है, हमारा काम कानून के दायरे में रहकर कानून की जो मंशा है उसके हिसाब से एविडेंस इकट्ठा करना और उस एविडेंस को और मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना है। अदालत की जो प्रक्रिया है, ट्रायल दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों की बहस सुनी जाएगी और जो सबूत सामने आएंगे अदालत के हिसाब से उसको सजा होगी। तो आम जनता के प्रति, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी है, उस अकाउंटेबिलिटी को वो पूरे मनोयोग से पूरा करे और ऐसा अवसर उपस्थित ना हो जाने या अनजाने में कि उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो या कार्यवाही करने की नौबत आए। तो इसको हम खौफ का दर्जा नहीं देना चाहेंगे, खौफ का दर्जा नहीं देना चाहेंगे तिवारी साहब। और जो मूल बात यह है कि सामूहिक जवाबदारी बनती है, अगर हमको अपने आसपास के वातावरण को बदलना है, शुचिता चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए, तो उसके लिए सबको साथ आना ही पड़ेगा। तिवारी जी इंजीनियर हैं पेशे से और पुलिस में आ गए, कभी सोचा था बचपन में कि पुलिस में जाएंगे, इस तरह की वर्किंग होगी? नहीं साहब, हमारे खानदान में कभी कोई, पिछली 7 पुश्तों में कभी कोई पुलिस में नहीं रहा। ये तो एक कोइंसिडेंस की बात है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एनटीपीसी ज्वाइन की और जब वहाँ मैंने पाया कि वहाँ जो कस्टमर ट्रेनिंग्स अवेलेबल थी विदेशी कंपनियों की, वो हमारे सीनियर अधिकारियों ने कंज्यूम कर ली थी, तो मुझे लगा कि एनटीपीसी सिंगरौली में रहते हुए अब कस्टमर ट्रेनिंग के रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं। तो उस समय मेरी उम्र बची हुई थी, तो 85 में मैंने फिर सिविल सर्विस परीक्षा दी और जो रिज़ल्ट आए उसके आधार पर पुलिस में पोजीशन ठीक थी, तो संभावना थी कि पुलिस में मेरा जो होम स्टेट है मध्य प्रदेश, वो अलॉट हो जाएगा। तो सौभाग्य से मध्य प्रदेश कैडर मिल गया और पिछले 32 साल से हम लोग मध्य प्रदेश में रहकर सेवाएं दे रहे हैं। राजगढ़ में एसपी बने, वो बड़ा लूट मार का दौर था राजगढ़ में, कहीं कंजर थे, कहीं भील आ जाते थे। ये बात सही है कि राजगढ़ में करीब 18 कंजर डेरे हैं और
काफ़ी पुराने समय से कंजर वहाँ सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में फरवरी मार्च 94 के दौरान कुछ हम लोगों को ऐसे सूत्र मिले जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो सड़क पर रापी लगाकर ट्रकों को पंचर करके या पैसेंजर बसेस को पंक्चर करके यात्रियों के साथ लूटपाट करते थे और ट्रकों का सामान लूट लेते थे, ऐसी वारदातें करने वाले जो अपराधी थे वो कंजर नहीं थे, वो स्थानीय जो वहाँ के लोड़ा और दूसरी जातियों के जो निवासी थे, गाँव के करीब रहने, सड़कों के करीब रहने वाले ऐसे समाज के लोग, उनमें करीब 37-38 व्यक्तियों को हमने एक एक करके गिरफ्तार किया और करीब 6 अलग अलग गिरोह हम लोगों ने ट्रेस किए थे। तो और ताज्जुब की बात यह है कि उन 37 लोगों में एक भी व्यक्ति कंजर डेरे का नहीं था और ना ही भील था। खौफ उनका था नहीं, उनका चूंकि उनकी जो वारदातों का जो तरीका होता था कंजरों का प्राचीन समय में, वही तरीका अख्तियार करके ये गिरोह भी ऑपरेट करते रहते थे। तो जब भी कभी कोई वारदात होती थी तो पुलिस जो है वो बिना ज़्यादा समय नष्ट किए कंजरों के डेरे में पिल पड़ती थी और कंजरों को उठा करके फिर उनकी खातिर तवज्जो करके पता लगाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जो एक्चुअल वारदात करने वाले लोग थे वो लोड़ा और दूसरी समाज के लोग हुआ करते थे, उनकी तरफ कभी पुलिस का ध्यान ही नहीं जाता था। तो जब ये 94 में जब हम लोगों ने इस तरह के 7 गिरोह जब डिटेक्ट किए और उनको एक एक करके उन व्यक्तियों को पकड़ा गया, उनके पास से लूट का सामान बरामद हुआ, चोरी किए हुए बैग और सूटकेस बरामद हुए और जब इनको जेल की हवा खिलाई गई तो उसके बाद रापी लग के लूटपाट होने की जो वारदातें थी वो रुक गई, उसके बाद फिर ऐसी वारदातें नहीं हुई वहाँ। क्योंकि उस पूरे इलाका मुझे याद है इस किस्म का था कि रात के समय लोग वहाँ सड़कों से गुजरने में खौफ खाते थे और कॉन्वॉय लगाया जाता था, 15-20 गाड़ियों का कॉन्वॉय जो है आगे पीछे और दोनों पुलिस वैन लगती थी और इस तरह के कॉन्वॉय जो है एक एक घंटे दो दो घंटे के गैप में रात में चलाए जाते थे। ये बात सही है, हम लोग भी चलवाते थे, लेकिन जब ये फरवरी मार्च 94 में जब ये गैंग डिटेक्ट हुए इस प्रकार के 7 गैंग, तो उसके बाद फिर इन वारदातों में एकदम रुकावट आई और उसके बाद फिर ये वारदातें होना बंद हो गईं। अब ईओडब्ल्यू में आपको प्रभार दिया गया, यहाँ आपकी लड़ाई सीधे सीधे कुछ भ्रष्ट और महाभ्रष्ट लोगों से है। जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि साहब हमारे जो चार्टर हैं वो डिफाइंड है, सरकार ने हमें जो जिम्मेदारी दे रखी है वो स्पष्ट है, कैसे कार्य करना है वो CRPC में, वो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और दूसरे जो कानून हैं उनमें हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, अदालतों में क्या सबूत चाहिए वो एविडेंस एक्ट में निर्धारित है, अलग अलग जो कानून हैं उनमें निर्धारित है। तो उन निर्धारित कानूनों की मंशा के हिसाब से जो एविडेंस हमें इकट्ठी करनी है वो एविडेंस इकट्ठी करके मैं मुलजिम और सबूत हम कोर्ट में पेश करने के लिए पहले भी कटिबद्ध थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तिवारी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत सहज और सीधे व्यक्ति माने जाते हैं, सामान्य तौर पे पुलिस के लोग ऐसे होते नहीं हैं। आप यहाँ भी आए, यहाँ भी संगठन जैसा था, यहाँ पे इस चीज़ को कभी तस्दीक करते हैं कि कुछ गलत अफसर यहाँ ना आ जाए जांच के लिए? देखिए साहब, हर अफसर को क्या करना है ये बड़ा क्लियरली लेट डाउन है, शायद पुलिस ही एक ऐसा महकमा है जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किस स्टेज पे क्या करना है और कैसे करना है इसके लिए रूपरेखा आज से नहीं, जब CRPC बनी थी 1898 में, तब से बनी हुई है। मेरा बड़ा तात्कालिक प्रश्न है कि जैसे यहाँ जो अफसर नियुक्त किए जाते हैं उनके बारे में पहले चेक किया जाता है कि उनकी छवि साफ सुथरी है, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है? हाँ, ऐसा हम प्रयास करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि यहाँ आने के बाद जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी पूरी जो जवाबदारी के साथ काम करें और जो चाहा गया जो रिजल्ट है वो समय सीमा में सही एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करें। ये कितना सच है कि आपकी आपके अधिकारियों से, प्रशासन सरकार से कई बार कहा सुनी हो जाती है, जब ठीक किस्म के अधिकारी नहीं भेजे जाते हैं तो आप अपनी नाराज़गी जाहिर कर देते हैं? नहीं, ऐसी नाराज़गी या कहा सुनी नहीं होती है, सरकार जो है वो सर्वोपरि है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जो है वो सॉवरेन गवर्नमेंट है, उसको निर्णय लेने के अधिकार हैं अपने। अगर कहीं पर किसी बात पे हमें असहमति होती है या कोई जिसमें आपत्ति होती है तो हम अपनी आपत्ति सरकार के समक्ष दर्ज कराते हैं और यथासंभव सरकार उसका निराकरण भी करती है, और अगर किसी बात पर अगर असहमति बनती है तो फिर हम लोग उसको विद इन जो अपने पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रहकर हम आगे कार्य करते हैं। लोकायुक्त में भी कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर आपने अपनी नाराजगी जाहिर की सरकार से? लोकायुक्त
ईओडब्ल्यू को लेके? नहीं, नाराजगी या असहमति की बात नहीं है, जो जो हमारा पक्ष था वो हमने सरकार के सामने रखा था। बात वो ये शुचिता कि साफ सुथरे लोग हों, अच्छा काम हो। हाँ, मतलब सबकी मंशा वही है, सरकार की भी मंशा वही है और एजेंसी की भी मंशा वही है कि अच्छा कार्य हो और जो जो भ्रष्टाचारी तत्व हैं, अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के और गलत कार्यों में जुड़े रहे हैं, उनके खिलाफ मुनासिब एविडेंस इकट्ठी हो और अदालत पे पेश किया जाए, ट्रायल करा जाए, सजा कराई जाए। अच्छा, एक इससे थोड़ा सा हटके है लेकिन करप्शन से ही जुड़ा मसला है कि हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, हमें कहीं स्कूलों से कॉलेजों से एक शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं लगती? जो आप सामूहिक जवाबदारी की हम सब बात करते हैं कि करप्शन किया ही हो ही ना, मेरे ख्याल से स्कूल और कॉलेजेस में नैतिक शिक्षाओं के ऊपर कुछ सिलेबस शुरू किए जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक चलाई जा सकती हैं, कुछ सब्जेक्ट या पेपर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिनमें नैतिक शिक्षा के बारे में हो और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं और कैसे उनके ऊपर कार्रवाई होती है, कितनी सजाएँ होती हैं, इसका एक इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर्स हैं वो स्कूलों और कॉलेजों में हर लेवल पे चालू किए जा सकते हैं और इनको करने से समाज में स्टूडेंट्स पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप सुन रहे थे के एन तिवारी साहब को, जो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार से लड़ाई आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, सारे समाज को, सभी लोगों को, सरकार को एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे तो इस बुराई से भी निजात पाई जा सकती है। तिवारी साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।